अध्यक्ष महोदया, पूरे विश्व में हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा के माध्यम से हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हिंदी भारत में नहीं अपितु पूरा विश्व में भारत का गौरव है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता तथा विश्व में आयोजित होने वाले हिंदी सम्मेलन के लिए अच्छी धनराशि आवंटित भी की है। इसके बाद भी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेकों प्रयासों के बावजूद भी हिंदी को 70 साल के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जामा नहीं पहना जा सका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि UNO में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ कि सांसद महोदय ने ये प्रश्न पूछ लिया कि क्या क्या कठिनाई आ रही है, क्योंकि वरना आम तौर पर ये बात चलती है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश को ये बताना चाहूँगी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा ना बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई है वहाँ की प्रक्रिया। वहाँ की प्रक्रिया ये है कि जो देश ये प्रस्ताव लाता है कि आप हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दो, जो राशि उस पर व्यय होती है वो केवल उस देश द्वारा नहीं ली जाती। अगर ये वहाँ प्रक्रिया होती कि अगर भारत ये प्रस्ताव कर रहा है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए तो इस पर आने वाला सारा खर्च भारत वहन करेगा, तो अपने देश की राजभाषा को ये गौरव दिलाने के लिए ये सरकार कोई भी खर्च करने को तैयार है, कोई भी व्यय करने को तैयार है। लेकिन UN की प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया ये कहती है कि वो धनराशि जो व्यय होगी वो संयुक्त राष्ट्र के समूचे राष्ट्र सदस्यों को यानी 193 सदस्य राष्ट्रों को वहन करनी होगी। इसलिए वहाँ मतदान होता है और मतदान में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 129 मत चाहिए। आपको मालूम है कि 129 मत जुटाने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं है। हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करो 177 देशों का समर्थन जुटाया। हमने अभी ICJ इलेक्शन में 193 में से 183 देशों का समर्थन जुटाया। 129 देशों का समर्थन जुटाने में दिक्कत नहीं है, कठिनाई तब पैदा होती है जब वोट में समर्थन देने के साथ उन पर राशि का बोझ पड़ता है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हमें समर्थन देते हैं वो यहाँ समर्थन देते हुए हिचक जाते हैं क्योंकि पैसे का बोझ उन पर आ रहा है। तो भी हम लोग लगे हुए हैं, हमारा प्रयास जारी है कि हम ये प्रस्ताव मॉरिशियस, फिजी, सूरीनाम जैसे जो भारतीय मूल के गिरमिटिया देश हैं उनके माध्यम से लेकर आएं और किसी तरह उन छोटे देशों का भी समर्थन प्राप्त करें। जिस दिन वो समर्थन मिल गया और 129 देश पैसा देने को भी राजी हो गए उस दिन ये आधिकारिक भाषा बन जाएगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सप्लीमेंट्री है, आज विश्व के 170 विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, देश के विश्व के कोने कोने में विश्व सम्मेलन भी हो रहे हैं। UNO में हिंदी को भाषा का स्थान दिलाने हेतु कई समितियां उपसमिति भी बनाई हैं। UNO में हिंदी को आधिकारिकता भाषा बनाने में हर साल 41 करोड़ के लगभग खर्च आता है, खर्च की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार UNO में हिंदी को आधिकारिक भाषा में होने वाले खर्च या हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के प्रयोग से कई सरकार पीछे तो नहीं हट रही है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो पहले ही इसका जवाब दे चुकी हूँ। आप कह रहे हैं 40 करोड़ का खर्च, 40 करोड़ का नहीं, अगर 400 करोड़ का भी खर्च है तो भारत सरकार देने को तैयार है अगर आधिकारिक भाषा केवल भारत द्वारा पैसे दिए जाने पर बन सके। मैंने इसीलिए बहुत विस्तार से उत्तर दिया आपकी पहली बात का कि खर्च का सवाल नहीं है। अगर खर्च का वहन केवल भारत सरकार द्वारा किया जाना है तो हम अपनी भाषा के गौरव के लिए कोई भी खर्च करने को तैयार हैं। दिक्कत यह है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों को वो राशि बटेगी और सबको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा और इसीलिए मतदान होता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो
तब उसको आधिकारिक भाषा बनाते हैं। जिस दिन 129 सदस्य राष्ट्र पैसा देने को तैयार होंगे उस दिन ये आधिकारिक भाषा बन सकेगी। हमारे द्वारा पूरा पैसा दिए जाने के लिए हम आज भी सहमत हैं, मैं सदन में खड़े होकर कह रही हूँ। तो 40 करोड़ का सवाल बिल्कुल नहीं है और ना पीछे हटने का सवाल है। जो भी व्यय होगा अगर भारत सरकार के व्यय देने से हिंदी आधिकारिक भाषा बनती हो तो आज हम करने को तैयार हैं। श्रीमती रमा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2017 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में भारत की आबादी 17.74% है और चीन के बाद आबादी की हैसियत से दुनिया में दूसरा स्थान है। फिर भी आज भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को अपेक्षित स्थान नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अपेक्षित उपाय करती रही है। दूसरी ओर कहा जाता है कि हिंदी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने की स्थिति में बुनियादी सुविधा का उपकरण के अतिरिक्त लागत का प्रावधान करना होगा। राजनयिक मिशनों एवं केंद्रों में हिंदी में काम नहीं हो रहा, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश की दौरा किए अपनी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किए, जिससे हिंदी जानने वालों ने इनका काफ़ी सम्मान किया है। इससे हमारे भारत देश का काफ़ी गौरव बढ़ा है। अध्यक्ष महोदया जी, माननीय विदेश मंत्री जी ने इतना संतुष्ट कर दी हैं कि यह लगता है कि हमको कोई जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हमारी विदेश मंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने एवं विश्व में हिंदी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अनुमानित लागत को उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय से कोई बातचीत की है? अगर 129 राष्ट्र मिलकर नहीं, ये ठीक है कि विदेश मंत्री जी कहिए कि हमारी अगर जरूरत होगी 40 करोड़ नहीं 400 करोड़ देने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ का एक मत होता है, वो अगर हो जाए तब मैंने इस पर सोचा जा सकता है। देख जी, मैंने उनकी सारी बातों का जवाब पहले ही दे दिया है। जो सबके मन में ये है कि खर्च के कारण ये नहीं बन पा रही और सरकार खर्च को नहीं उठाने को तैयार है, मैं बार बार कह रही हूँ सरकार पूरा खर्च वहन करने को तैयार। संयुक्त राष्ट्र एक राशि बता दे कि हम भारत हमें ये राशि दे देगा, हम हिंदी को बना देंगे, हम कल देने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया जो प्रक्रिया है उसकी मुश्किल है, पर उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की चाहे आधिकारिक भाषा ये नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले हिंदी में बोले, मैं 3 बार बोली, तीनों बार हिंदी में बोली। प्रधानमंत्री जिस समय संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में बोले तो हिंदी में बोले। हम लोग जितने हमारे विशेष अतिथि आते हैं, जितने भी आते हैं, अगर वो सामने वाला अंग्रेजी में बोलता है तो हम अंग्रेजी में बात करते हैं, वरना सबके साथ हिंदी में बात करते हैं। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो जहाँ तक विश्व में गौरव बढ़ाने का सवाल है और हिंदी के प्रयोग का सवाल है, विदेश मंत्रालय में जितनी हिंदी आज चल रही है आज से पहले कभी नहीं हुई। मिशनों में, पोस्टों में, हेडक्वार्टर पे, फाइलों पे बहुत ज़्यादा काम हिंदी में हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में केवल ये कठिनाई है, हम लगे हुए हैं कि 129 लोग ये राशि का वहन भी अपने सिर पर लेकर सहमत हो जाएं। जिस दिन ये वो सहमत हो जाएंगे और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा उस दिन हम आधिकारिक भाषा भी बनवा देंगे। शशि थरूर, गौरव जी आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो आज, मगर शशि थरूर को पूछने दो। मैम स्पीकर, आई एम अ That is speaker, I'm a bit puzzled by the government's answer on this. Hindi mein poochho na, you can speak in Hindi. Achha, poochho. Chalo, come on. In the United Nations, there are 6 official languages and 2 working languages. Now, the 6 official languages are used for formal speeches and translations. The work is done in the 2 official languages, which are English and French. Similarly, in India, our foreign minister said, Bharat ki rajbhasha, Bharat has no rajbhasha. The constitution, so Article 343 makes it very clear, Hindi is an official language. The Official Languages Act of 1963 says that Hindi and English are both official languages of India. And the Gujarat High Court ruled in 2010 that Hindi is not the national language of India. So for us to be spending government resources in seeking to promote Hindi in this purpose raises an important question. Why do we need official languages at the UN?
because a number of countries speak them. Arabic doesn't have more speakers than Hindi, but Arabic is spoken as an official language by 22 countries, whereas Hindi is only used as an official language by one country, us. Mauritius, Suriname, and so on, it's not official language. Therefore, the question that comes up is, what purpose is being served by this? If indeed we have a prime minister or a foreign minister who prefer to speak Hindi, they can do so and we can pay for that speech to be translated. Why should we put our future foreign ministers and prime ministers, who may be from Tamil Nadu or Bengal, in a position where they are condemned to be speaking a language that we are paying for? The government of India has to defend its position rather than... I understand the pride of Hindi speakers in this country, but people in this country who do not speak Hindi also have pride in being Indian barristers. I'd appreciate the comments. Yes. Very good. 58%. Yep. अगर आप इस प्रश्न को अलाउ करेंगी, क्योंकि ये प्रश्न इसके विपरीत है, कि पूछा ये गया है प्रश्न में हिंदी क्यों नहीं हम कर रहे हैं। नहीं, प्रश्न में तो ये पूछा गया कि हम आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि आधिकारिक भाषा बनाने की जरूरत ही नहीं है, और जहाँ तक वो कह रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आप तो रहे हैं विदेश, उसमें सूर्य अभी मेरे यहाँ जो भारत को जानने वाले लोग आए थे, फिजी में ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है फिजी में हिंदी। तो ये मत कहिए कि केवल भारत में, और जितने गिरमिटिया देश हैं जो भारतीय मूल के जहां शासक भी रहे हैं, मॉरिशियस, फिजी, सुरिनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, गयाना, इन सब में भारतीय मूल के लोग जो हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। और अमेरिका में NRI बने हुए लोग भी आज भी हिंदी बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री इतनी इतनी बड़ी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, उनको समझ आता है तभी तो हिंदी बोलते हैं। नेपाल में लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये कहना कि हिंदी केवल भारत में बोली जाती है, ये सिवा आपकी अज्ञानता के और किसी चीज का प्रतीक नहीं है।